25 अक्टूबर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में बैंकिंग फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अरविंद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष MPCCI द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष विजय गोयल ने दी। पहली बार ये बैंकिंग फेयर MPCCI द्वारा प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। पत्रकार वार्ता में संयुक्त अध्यक्ष प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष पारस जैन, मानसेवी सचिव डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त सचिव ब्रजेश गोयल, कोषाध्यक्ष वसंत अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। चैम्बर का ये सार्थक प्रयास है कि एक छत के नीचे हम व्यापारी और बैंक को एक साथ इकट्ठा करें। व्यापारी और उद्योगपति को अपने व्यापार और उद्योगों को चलाने के लिए अक्सर ऋण की आवश्यकता होती है और उसमें हर बैंक की अपनी अपनी अलग पॉलिसी होती है। किसी के रेट ज़्यादा होते हैं, किसी के रेट कम होते हैं, कोई की अवधि ज़्यादा होती है, कोई की अवधि कम होती है। तो ये विस्तृत जानकारी हम एक ही छत के नीचे नहीं ले पाते हैं और जो बैंक के हम संपर्क में आते हैं हम उसी से डील करके रह जाते हैं, जबकि बहुत सारे बेटर ऑप्शन हमें मार्केट के सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि चैम्बर के सदस्य व्यापारी, असदस्य व्यापारी, उद्योगपति जो भी आना चाहे वो आके इस फेयर में भाग ले और सभी बैंकों के इन्वेस्टमेंट और लोन, इनकी पॉलिसियों का अध्ययन करें और जो बेस्ट टू बेस्ट उसको अवेलेबल पॉलिसी है उससे वो उपयोग करके, और हम बैंकों को ये सुनिश्चित करवाएंगे बैंकों से कि हमारे व्यापारी के अगर सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आप उनको ऋण अवश्य दीजिए। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर को चैम्बर भवन में बैंकिंग फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को एवं प्राइवेट बैंकों को एकत्रित करके उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, योजनाओं का ज्ञान हमारे व्यापारियों को दिया जाएगा। साथ ही हमारे सभी सम्मानित सदस्यों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा और उनको ये सारी बैंकें अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगी, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों के व्यापार में निश्चित तौर पर लाभ होगा। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के 115 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स आयोजित करने जा रहा है जो एक बैंकिंग फेयर का रूप में रहेगा। इस बैंकिंग फेयर कम लोन मेला में ग्वालियर के अंदर जो बैंकों की ब्रांचेज हैं उसमें नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक, अधिकांशतः सभी बैंकों के स्टॉल इसके अंदर रहेंगे। इसके अंदर हम सभी अपने औद्योगिक और व्यापारिक सदस्यों को आमंत्रित कर रहे हैं, साथ ही ग्वालियर के वह सभी व्यापारी और उद्योगपति और आमजन जो चैम्बर के भले ही सदस्य नहीं हैं वो इसके अंदर 25 अक्टूबर को जो प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक बैंकिंग मेला लगेगा उसमें आमंत्रित हैं। वो उसके अंदर आकर होम लोन, कार लोन, बिजनेस के लिए लोन, इंडस्ट्री के लिए लोन, पर्सनल ज़रूरतों के लिए लोन, इसकी जानकारी भी ले सकेंगे और अगर उनको कोई डिपॉजिट करना है तो वो डिपॉजिट भी कर सकेंगे। एक ही छत के नीचे ये कार्य करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैंकों और निवेशकों के बीच में सेतु का कार्य करें। चैम्बर की सोच ये है कि जब एक नया एंटरप्रेन्योर आता है या नया उद्योगपति या व्यापारी आता है उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और वो फंड्स के लिए एक एक बैंकों में अलग अलग जाता है, तो एक ही छत के नीचे अगर उसको सारे बैंक मिलेंगे तो उसको वो फंड्स आसानी से उपलब्ध हो सकते। करीब 16 बैंकें हैं दोनों मिलाकर। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।